देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो ध्यान दो। मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स लेस देन जीरो पर और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। मान लो ये फंक्शन है, ठीक। अब एक नया फंक्शन बनाया जी एक्स बराबर एफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स और हमसे कहा गया इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, किसकी, जी एक्स की। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था फंक्शन में, मैंने बताया आपको, वही सब क्वेश्चन वापस आ रहे हैं, बस इसमें नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी या मैक्सिमा या मिनिमा या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बस इसमें नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया, बाकी सब कुछ वही है। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि f mod x और plus mod of fx, ऐसे क्वेश्चन को डिफाइन करना है ना, हम लोगों ने पहले भी सीखा था और हम लोगों ने पहले भी इस टाइप के फंक्शन की डोमेन और रेंज बताई थी, ठीक है। देखो अब इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड, है ना। दोनों तरीके देखो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। देखो अब जैसे ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, पहले एफ एस का ग्राफ बना लो, है ना, फिर इन दोनों फंक्शन के ग्राफ को ऐड कर दो। और एक होता है सिंपल मेथड, देखो पहले हम लोग सिंपल मेथड से करते हैं विदाउट ग्राफ। देखो क्या होगा, हमें एफ मॉड एक्स चाहिए, तो क्या करोगे, जहां जहां एक्स दिख रहा है मॉड एक्स ले लो, ठीक, जहां जहां एक्स दिख रहा है मॉड एक्स ले लो, ध्यान दो ऐसे, ठीक, जहां जहां एक्स दिख रहा है मॉड एक्स ले लो, एफ मॉड एक्स, है ना, एक्स की जगह पर देखो हर जगह मॉड एक्स रख दो। अब देखो क्या हुआ, मॉड एक्स नेगेटिव तो पॉसिबल होता नहीं, इस लाइन को कैंसिल कर दो, ठीक। अच्छा मॉड एक्स पॉजिटिव हमेशा होता है, कोई समस्या नहीं, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये वाली लाइन बची रहेगी। अब इसमें भी दो केस बनेंगे क्या, एक x पॉजिटिव और एक x नेगेटिव। अगर x को पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x x हो जाएगा, अगर x को नेगेटिव लेंगे तो मॉड x माइनस x हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ध्यान दो, है ना। देखो मॉड x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें दो केस बनेंगे, एक्स पॉजिटिव और दूसरा बोलो एक्स नेगेटिव। अगर हम एक्स को पॉजिटिव लेंगे तो मॉड एक्स की जगह देखो एक्स आ जाएगा, अगर एक्स को नेगेटिव लेंगे तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 3x, है ना, मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा और माइनस एक्स मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 3x, ठीक। तो देखो ये एफ मॉड एक्स हमको मिल गया, ध्यान दो f mod x, है ना। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद अगर हम mod of fx देखें, mod of fx मतलब पूरे फंक्शन पर mod लगाओ, देखो ये fx है, पूरे फंक्शन पर mod लगाओ, क्या होगा देखो, mod of x minus 3 x से negative mod of x square minus 3x plus 2, ठीक, और x positive, पूरे function पर लगाना है हमको mod। अब देखो ध्यान दो, x negative है ना, और mod of x minus 3 है, ये अपनी value को बदलेगा कहां पर, 3 पर, देखो इसकी value x minus 3 होगी अगर x 3 से ज्यादा, 3 minus x होगी अगर x 3 से कम, है ना। और देखो यहां पर x नेगेटिव है, इसका मतलब x 3 से कम है, यानी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो, 3 माइनस एक्स बन जाएगी, क्योंकि देखो x 3 से कम है। अच्छा यहां पर देखो मॉड आया, तो क्या है बोलो, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो इसको हम कर सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 और मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू इसी के बराबर ले लेंगे अगर ये टर्म पॉजिटिव होगा तो, ठीक,
और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ दिस के बराबर ले लेंगे अगर ये टर्म नेगेटिव होगा तो, ध्यान दो ऐसे है ना, मॉड एक्स बराबर एक्स अगर एक्स पॉजिटिव, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होगा कि इस इनिक्वेशन को सॉल्व करें विविकर मेथड से तो x मिलेगा 1 से लेस या ग्रेटर इक्वल टू 2, और इस इनिक्वेशन को सॉल्व करें तो x मिलेगा 1 और 2 के बीच में, ध्यान दो। ठीक, अब देखो यहां पर x एक्चुअली पॉजिटिव है, ये ध्यान दो। तो x अगर पॉजिटिव है तो देखो क्या होगा, कई अलग अलग केस बनेंगे है ना, 1 से कम या 2 से ज्यादा। देखो क्या होगा यहां पर, इसको थोड़ा हम अगर सिंप्लीफाई करें देखो अलग से, तो मॉड एफ एक्स देखो ये तो यही हो गया 3 माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव, देखो एक्स पॉजिटिव है तो एक बार एक्स को लो 0 और 1 के बीच में, तो अगर हम एक्स को 0 और 1 के बीच में लें या फिर 2 से ज्यादा लें तो ये बनेगा क्या, x माइनस 1 x माइनस 2 बनेगा। इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो इसी के बराबर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, देखो ये बराबर आ जाएगा है ना, क्योंकि देखो हमें x को हमें क्या करना है बोलो, x को पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव का मतलब एक बार लिया 0 1 के बीच में, एक बार लिया 2 से ज्यादा, देखो ये आ गया। ठीक, फिर देखो अगर x 1 और 2 के बीच में है, अगर x 1 और, अब देखो यहां पर x 1 यहां पर इक्वल आएगा 1 पर, ध्यान दो 1 पर यहां इक्वल आएगा, अगर x 1 और 2 के बीच में है तो देखो क्या हो रहा है, माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ दिस का मतलब हो गया माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ध्यान दो ऐसे हो गया। ठीक, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसे हो गया देखो यहां पर। ठीक, अब देखो क्या होगा अगर हम x को नेगेटिव ले लें या 0 1 के बीच में ले लें। ठीक है, तो देखो ग्राफ ऐसा आ गया। अब देखो ध्यान दो, ये है f mod x और ये है mod of fx, हमें इन दोनों को प्लस करना है, हमने दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफाइन किया। देखो हम ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल मेथड से कर रहे हैं, बिना ग्राफ के कर रहे हैं, ध्यान दो इसको हम थ्योरेटिकल मेथड से देखो क्वेश्चन को बिना ग्राफ के कर रहे हैं। अब हम इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दें, देखो कैसे ऐड करें क्या होगा, देखो यहां पर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो अगर हम जी एक्स को निकालें, इन दोनों को प्लस करें, देखो क्या होगा यहां पर, ध्यान दो देखो x नेगेटिव पर इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू दोनों को सीधे सीधे ऐड कर दो तो x नेगेटिव क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कर दो तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और प्लस हो गया 3 माइनस x है ना, x नेगेटिव पर दोनों को सीधे सीधे हमने प्लस कर दिया। ठीक, अच्छा अब देखो 0 पर इसकी वैल्यू तो देखो यही है हमेशा, लेकिन इसकी वैल्यू देखो ग्रेटर देन 0 पर कई जगह बदली, लेकिन ये हमेशा यही है ग्रेटर देन 0 पर, ये हमेशा ही देखो 0 से 1 के बीच में लें या ग्रेटर इक्वल टू 2 लें, देखो ये है और ये यही दोनों देखो सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, अच्छा अब देखो 1 और 2 के बीच में अगर जाएंगे, अगर हम 1 और 2 के देखो बीच में जाएंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन ये है क्योंकि देखो ग्रेटर देन 0 पर ये तो हमेशा ही यही रहेगा, ग्रेटर देन 0 पर इसकी अलग अलग वैल्यू है तो 0 से 1 या 2 से बड़ा ये ऐसा है लेकिन ये सेम रहेगा, अगर हम 1 2 के बीच में लेंगे ये ऐसा है और ये सेम रहेगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस ये एग्जैक्टली देखो ये प्लस है और ये माइनस, दोनों को सम करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो ऐसे ये हमारा जी एक्स आ गया, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर और ये 3x और माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 2x और प्लस का 5, प्लस का 2x और देखो प्लस का 5, देखो x नेगेटिव पर देखो ये 3 माइनस एक्स है और ये ऐसा है, इन दोनों को प्लस करोगे
तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 आ गया। देखो x नेगेटिव पढ़ दिया, ठीक है, ऐसे आ गया। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करना हो चेक कर ले। देखो फिर समझाता हूं एक बार, f mod x में क्या करना है, x की जगह पर mod x लगाना है हर जगह, ठीक। अब देखो mod x पॉजिटिव है तो इसी के दो केस बना लिए, x पॉजिटिव और x नेगेटिव, दो अलग अलग केस बन गए इसके। यहां पर पूरे फंक्शन पर mod लगाना है। अब mod of 3 minus x कि देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस एक्स, क्योंकि x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है इसका मतलब x 3 से भी कम है, और इसको डिफाइन कर लिया फिर से, है ना, 0 से बड़ा था तो इसके देखो फिर दो अलग अलग केसेस बन गए। एक हो गया 0 1 के बीच में या 2 से बड़ा, और एक हो गया 1 2 के बीच में, और ये क्या हो गया बोलो, x नेगेटिव यानी 3 माइनस एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स। इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो कोई ये रिजल्ट हमको मिल गया, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जो भी चीजें चेक करनी है इस जी एक्स के लिए चेक कर लो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो भी चेक करना है आप इसके लिए चेक कर सकते हैं, है ना। लिखो सब बच्चे ध्यान जरा, इसको पहले बताता हूँ अभी आपको आगे कि आगे कैसे करना है इसको।